Okay. in the previous class we have discussed about archaea that archaea are special bacteria that can survive in as uh, you can say extreme condition methanogen halophiles, thermo thermoacidophiles ये वो बैक्टीरिया हैं जो सॉल्टी एरियाज हॉट स्प्रिंग्स और मैथानो और मार्शी एरियाज़ में भी सर्वाइव कर सकते हैं मिथानोजाइंस मिथानोजाइंस प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर रोमिनस के गट में और वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में भी और इसके साथ इनका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है कि ये डंग में या डंग ऑफ एनिमल्स रोमिनंट एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं तो ये बायोगैस सिंथेसाइज करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं नो अस डिस्कस मोर अबाउट किंगडम मोनरेंस एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ यू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया का स्पेशल नाम ट्रू बैक्टीरिया भी है यू मीन्स ट्रू यानी कि सबसे पहले वो बैक्टीरिया हैं जो रिजिड सेलवॉल और मोटाइल ऑफ फ्लाजिलम के साथ यानी कि ये एक स्पेशल फीचर इनका है स्पेशल फ़ीचर क्या है कि दे आर प्रेजेंट विद रिजिड सेलवॉल एंड मोटाइल एंड ऑफ फ्लाजिलम इज़ ऑल्सो प्रेजेंट और ये फ्लाजिलम की हेल्प से ही आगे मूव कर पाते हैं इनको हम पुराने टाइम पर या कॉमनली साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं द फर्स्ट लाइफ इवॉल्व ऑन द अर्थ और उसको ब्लू ग्रीन एल्गी जिसमें क्लोरोफिल ए प्रजेंट होता है जो ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर है और इनिए फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप यानी कि यू बैक्टीरिया के कई नाम हो गए ट्रू बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जिनमें क्लोरोफिल होता है फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं ये सारी कैटेगरीज हमें किसके बारे में पता चलें यू बैक्टीरिया के बारे में और ये फिलामेंटल्स हैं अब इनके बात करते हैं हैबिटेट के बारे में यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है इनका हैबिटेट ये यूनीसेलुलर होते हैं और कॉलोनीज़ में एग्जिस्ट करते हैं फिलामेंटस होते हैं फ्रेश वाटर मेराइन टेरेस्ट्रियल एल्गी ये सभी जगह पाए जाते हैं इनकी कॉलोनीज़ एक्सट्रीम कंडीशन में एक जिलाटनस शीत जो कि हमें यहाँ ब्लू कलर की दिख भी रही है ये जो जिलाटनस शीत है ये ब्लू कलर की है ये म्यूसीजनस शीत इस तरीके की बना लेते हैं ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में और इन ये ब्लूम यानी कि बहुत सारे यू बैक्टीरिया मिलकर जैसे कि दिख भी रहा है कि बहुत सारे यू बैक्टीरिया मिलकर एक कॉलोनी से बना ली है ब्लूम बना ली है और अपने चारों तरफ एक जिलेटनेस शीत बना ली है अपने आप को एक्सट्रीम कंडीशन से या एटमोसफियर से प्रिवेंट करने के लिए उसके बाद इनमें एक स्पेशल फ़ीचर क्या है स्पेशल फीचर ये है कि ये एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं यानी कि ऐसी कंडीशन में आने के बाद इन कॉलोनीज़ में दे आर एबल टू फिक्स एटमोसफियरिक नाइट्रोजन और जिन सेल्स की वजह से ये फिक्स करते हैं वो है हेट्रोसिस्ट जो इनमें प्रेजेंट होता है द वेरी स्पेशल फीचर अबाउट दम एग्जाम्पल नॉस्टॉक ए रैनाबेना जिसका एक एग्जाम यहाँ पर डायग्राम भी हम देख रहे हैं और इनका नेचर यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक यानी कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स अमोनिया इनको यूज़ करते हुए अपना खाना खुद बना सकते हैं दे कैन प्रोड्यूस ए टी पी यूजिंग नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स एंड अमोनिया और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को रिसाइकिल करने में मतलब कि ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आयन सल्फर इनको रिसाइकिल यानी कि वापस एटमोसफेयर में दे देते हैं तो ड्वेल्व काम हो गया इनका यहाँ पर ड्वेल्व काम कैसे कि एक तो ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में फ़िक्स भी करते हैं और फिर उनको यूज़ करते हुए ए प्रोडक्शन भी करते हैं यानी कि वापस भी कर देते हैं कुछ यू बैक्टीरिया हाइट्रोट्रॉफिक इन नेचर भी होते हैं यानी कि उनका नाम डिकम्पोजर्स होता है जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि वापस करते हैं डिकम्पोजर्स भी हैं ये हेल्पफुल है कर्ड मेकिंग में जैसे कि एंटीबायोटिक्स या फिक्सिंग नाइट्रोजन लेग्यून प्लांट्स में हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को जो फिक्स करते हैं वो लेग्युमस प्लांट में रहते हैं रूट्स में इनमें कुछ बैक्टीरिया पैथोजेंस यानी कि हार्मफुल भी हैं क्रॉप्स और एनिमल्स प्लेट्स के लिए है, जैसे कि कॉलरा टाइफाइड टिटनस सिट्रस कैंकर ये सिट्रस रूट की जो डिजीज़ है ये इन्हीं बैक्टीरिया से कॉज होता है यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि कॉलरा टाइफाइड टिटनस सिट्रस सैंकर डिजीज़ किस वजह से होती है तो यू बैक्टीरिया की वजह से अब आते हैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका फ़िशन के जरिए होता है और अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और वही स्पोर्ट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई अडोप्टिंग अ प्रमेटिव टाइप ऑफ डी एन ए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर यानी कि दोनों मोड से हो सकता है ए सेक्शुअल भी और सेक्शुअल भी ए सेक्शुअल में स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करेंगे और सेक्शुअल में ये एक प्रमेटिव डी एन ए ट्रांसफर एक बैक्टीरियम से दूसरे में कर देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यू बैक्टीरिया इज माइको प्लाज्मा जिसमें सेल वॉल नहीं होती है और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज माइक्रोप्लाज्मा और ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि माइकोप्लाज्मा कौन है यू बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल नहीं होती ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं और ये पैथोजेनिक है यानी कि डिजीज कॉजिंग है तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा इज दे सेल वॉल देन एल्स दे हैव स्मॉलेस्ट सेल दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन और पैथोजेनिक नेचर है तो इसी के साथ हमारा किंगडम मोनरे गेट्स फिनिश्ड ऑफ द नेक्स्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गैनिज्म किंगडम इज प्रोटिस्टेंस लेकिन ये सारे यू कैरियाटिक वेल डेवलप्ड सेल्स का किंगडम है और इनमें कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस भी हैं और दे जस्ट यू कैन से मिमिक लाइक प्लांट प्लांट जैसे लगते हैं उन्हें कहते हैं क्राइसोफाइड्स डाइनोफ्लाजिलेट्स और यूगलेनोनाइड्स जिनके बारे में हमें इस किंगडम में पढ़ना है स्लाइम मोल्स प्रोटोजोवंस यानी कि क्राइसोफाइड्स डाइनोफ्लाजिलेट्स यूगलेनोइड्स और स्लाइम मोल्ड्स के बारे में हमें आगे पढ़ना है मेंबर्स ऑफ प्रोटेस्टा प्राइमरी एक्वेटिक यानी कि हैबिटेट इनका एक्वेटिक होता है और दे फॉर्म लिंक ईजिली अपना प्लांट्स और एनिमल फनजाई से लिंक बना लेते हैं और यू होने की वजह से इनकी सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं यानी कि पहला करेक्टरिस्टिक फीचर अबाउट प्रोटेस्टन की इनकी एक वेल डिफाइंड सेल वॉल है न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है मेब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं और कौन इसमें आते हैं दे आर कैटेगराइज इन क्रायोसोफाइड्स डाइनोफ्लाइजिलेड्स यूग्लिनॉइड्स मोल्स एंड प्रोटोजन्स वंस अगेन किसमें डिवाइडेड है क्राइसोफाइड्स डाइनो फ्लैजलेट्स और प्रोटोजुवंस में अब एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं कुछ में फ्लैजिला होगा कुछ में सीलिया होगा मूवमेंट के लिए सेक्शुअल ए सेक्शुअल दोनों मोड से फ्यू इनका रिप्रोडक्शन होता है फ्यूजन से और जयगोड फॉर्मेशन इन सेक्शुअल सबसे पहली कैटेगरी पोटेस्टें की है क्राइसोफाइट्स इनको डाईटम्स और गोल्डन एल्गी डिस्माइट्स के नाम से भी जाना जाता है मेराइन एनवायरमेंट में है द कॉमन नेम ऑफ क्राइसोफाइट्स इज डाईटम्स वट इज द कॉमन नेम ऑफ क्राइसोफाइट्स डाईटम्स और डिस्माइट्स माइक्रोस्कोपिंग है और फ्लोटिंग पैसिवली इन वाटर यानी कि प्लांटन्स हैं ये प्लांट लाइफ जो हमारे सरफेस पे सी वाटर में पाई जाती है ये वही फॉर्म करते हैं हैं और फोटोसिंथेटिक हैं यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं डाई आटन की जो वॉल है वो टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स से बनी होती है और एक सोप लाइक -like बॉक्स होता है इसका मतलब जैसे कि हम शेल्स नहीं देखने शेल्स के अंदर ऑर्गैनिज्म है उसी के तरीके से इनकी ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं जिसके अंदर हमारा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है और सिलिका की होती हैं काफ़ी हार्ड होती हैं यानी कि जैसे मोती देखा मोती एक शेल के अंदर होता है उसी तरीके से ये भी एक शैल के अंदर होते हैं और इनकी डेथ के बाद इनकी जो शेल्स हैं वो डेई नहीं होती और वो इकट्ठा होती जाती हैं समुद्र की सतह पर और यही बनाती हैं डाइटमाशियस अर्थ यानी कि धीरे धीरे जो समुद्र के अंदर पहाड़ होते हैं वो इन्हीं के बने होते हैं नेक्स्ट बींग इन ग्रिटी दिस सॉयल इज़ यूज फॉर पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑयल्स एंड सिरप्स यानी कि यहाँ पर जो एक्यूमलेशन से ऑयल इनका निकलता है जो वहाँ पर उस अर्थ में ऑयल भी सिक्रीट होता है यानी कि इस तरीके से माउंटेंस बनते हैं तो ये ऑयल सिक्रीट करते हैं और सिरप जो कि पॉलिशिंग वगैरह में यूज़ होता है डाई आइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशंस क्योंकि फोटो सिंथेटिक हैं तो उनको चीफ प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है जो सर्फेस पर पाए जाते हैं नेक्स्ट इज डायनो फ्लाजिलेट्स डायनो फ्लाजिलेट नाम से ही पता चल रहा है दो फ्लाजिला और मेराइन फोटोसिंथेटिक होते हैं येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू रेड कई कलर के होते हैं बिकॉज इनमें अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं इनमें भी स्टिफ सेलेलूज प्लेट हो गए दो फ्लाजिला होंगे एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसफर्स होता है सलवॉल की प्लेट्स के बीच में जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है कि एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसफर्स है सलवॉल की प्लेट्स के बीच में जो कि मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया ये रेड डाइनो फ्लाजिलेट्स एग्जाम्पल ग्वानियलॉग्स ये एक रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जैसे हमें रेड सी कई फोटोग्राफ्स में देखा है कि समुद्र लाल है क्यों लाल है डायनो की वजह से जो कि रेड एल्गी के नाम से फेमस होते हैं डायनो फ्लाजुलेट्स डायनो यहाँ पर जो प्रेजेंट है तो यहाँ पे सही भी प्रेजेंट प्रेजेंट होते हैं और ये रेड सी टाइट्स यानी कि पानी बिल्कुल रेड कलर नजर आता है डायनो अगर रेड कलर के यहाँ पे प्रेजेंट है सो लेट अस मूव फर्दर ट यूग्लेनॉइड्स यानी कि थर्ड कैटेगरी थर्ड कैटेगरी इज ऑफ यूग्लेनॉइड्स, सो लेट इस डिस्कस मोर अबाउट यूग्लेनॉइड्स